अब सुनो, यहाँ पर हमने क्या करा है, ये जो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण निकाल रहे थे उसका हल निकाल दिया हमने समीकरण नंबर 12 में। इसका पहला वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट था, अनुप्रयोग करना है आपको, किसी बेलनाकार कैविटी लेनी है, उसके अंदर आपको तरंगे संचरित करवा के उन तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करनी है। हमें इसकी अनुप्रयोग करवाने जा रहे हैं। अनुप्रयोग के अंदर मैं एक वही बेलनाकार कैविटी लूंगी, फिर उसके अंदर तरंगे भेजूंगी और उन तरंगों से इसकी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो एक बार और, मैं रफ कर रही हूँ अब इसको। अब मैं इसका अनुप्रयोग स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलो पहले टालो, टॉपिक का नाम डाल दो अनुप्रयोग। किसी बेलनाकार कैविटी में, टॉपिक तो डला हुआ है वैसे, डलवाऊं दोबारा? रहने दो, टॉपिक का नाम तो मैंने जब स्टार्ट करवाया था तभी डलवा दिया था। किसी बेलनाकार कोटर में कंपन की विभिन्न विधाओं की आवृत्तियां ज्ञात करना। टॉपिक का नाम पता है ना कि दोबारा डलवाऊं? टॉपिक वही है, किसी बेलनाकार कोटर में कंपन की विधाओं की आवृत्तियां ज्ञात करना। डाल लो चलो, किसी बेलनाकार कोटर में कंपन की विभिन्न विधाओं की आवृत्तियां ज्ञात करना। कोटर में कंपन की विभिन्न विधाओं की आवृत्तियां ज्ञात करना। चलिए, हाँ दोबारा डलवा दी मैंने एडिंग, कोई बात नहीं है। ये वाला अनुप्रयोग स्टार्ट कर रही हूँ। किसी बेलनाकार कोटर में कंपन की विभिन्न विधाओं की आपको आवृत्तियां ज्ञात करके लानी है। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बेलनाकार कोटर लेनी पड़ेगी। ये बेलनाकार कोटर है जो बेलन रूप में, ये एक्स वाई जेड अक्ष है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक तल है जो कि जेड अक्ष से कितने कोण पर होता है, फाई कोण पर।
ये कब हमने फाई तल लिया है जो उससे कितने कोण पर होता है, फाई कोण पर होता है। अब ये मूल बिंदु जेड बराबर डी पर, यहाँ तो जेड बराबर जीरो होगा, इस अक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो जेड का मान जीरो रहता है क्योंकि मूल बिंदु है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो दूरी बढ़ती जाती है जेड की, और दूरी कितनी हो जाती है यहाँ पर जेड बराबर डी, डी पर हमने तल माना है पाई तल जेड बराबर डी पर। अब क्या करना है आपको, इस स्कूटर के अंदर यहाँ से नीचे से विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण करवाना है। यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती हैं और कहाँ तक संचरित होके जाती हैं, जेड बराबर डी पर पहुँचती हैं। और जो ये बेलन लिया है, बेलन के निर्देशांक आपको पता है क्या होते हैं, रो फाई और जेड, यही होते हैं। मैंने क्या किया, जो बेलन लिया है उसकी त्रिज्या कितनी है, रो, और रो बराबर कितने त्रिज्या का माना है, ए त्रिज्या का। मैंने एक बेलन की कल्पना करी है जिसमें मैंने एक तल माना फाई तल जो कि एक्स अक्ष से फाई कोण बना रहा है, और मैं इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण करवाती हूँ। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित हो रही हैं, जब वो जेड बराबर डी पर पहुँचती हैं, तो उनकी आवृत्ति का मान क्या होता है वो ज्ञात करके लाना है। आगे डायग्राम समझ में, यहाँ पर एक ही काम करना है, स्कूटर के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण करवाते हुए जब वो इस तल पर पहुंच जाती हैं तब उनकी आवृत्ति क्या होती है वो ज्ञात करके लानी है जेड पर। जब जेड का मान जीरो से डी पर पहुंचता है तब आवृत्ति के मान में कितना परिवर्तन होता है, आवृत्ति कितनी हो जाती है वो ज्ञात करना है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की, ठीक है। और ये रो बराबर ए त्रिज्या का क्या माना है, हमने एक बेलन माना है। लिखिए इसके अंदर पहले, रो बराबर ए त्रिज्या जेड जो कि जेड बराबर जीरो यहाँ पर और जेड बराबर डी यहाँ पर, जेड बराबर जीरो व जेड बराबर डी दो समतल है, जेड बराबर जीरो तो ये समतल है और जेड बराबर डी ये समतल है, दो समतल है। रो बराबर ए त्रिज्या जेड बराबर जीरो व जेड बराबर डी वृत्ताकार फलकों के मध्य, वृत्ताकार फलकों के मध्य जेड बराबर जीरो और जेड बराबर डी फलकों के मध्य एक बेलनाकार कैविटी पर, जेड बराबर जीरो और जेड बराबर डी इन दोनों के मध्य क्या है, एक बेलनाकार कैविटी है, एक बेलनाकार कैविटी पर एक बेलनाकार कैविटी पर विचार करते हैं जिसमें बेलनाकार कैविटी पर विचार करते हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्तेजित की जाती हैं, उत्तेजित की जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल की समीकरण पढ़ी होंगी तुम लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में, विद्युत चुंबकीय तरंगा का चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था बुक का, उसके अंदर मैक्सवेल की समीकरण थी जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए यूज की जाती थी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, दोनों संचरण की दिशा के कहाँ चलते हैं, लंबवत चलते हैं, ठीक है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें चल रही हैं तो उनकी संचरण की दिशा जो है उनके लंबवत आपकी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों चलते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रहते हैं,
अब हमने 12th क्लास में उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल समीकरण निकाली थी। मैं उन मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करके इसकी वो निकालूंगी आवृत्तियां। मैं मैक्सवेल समीकरण लिख रही हूँ जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आपने निकाली हुई थी। डेल क्रॉस ई, एक तो डेल क्रॉस ई निकाली थी, याद है सब लोग को, माइनस डेल बी ओवर डेल टी, ये निकाली थी तुम लोगों ने, उसमें थी ये 12th क्लास में। और बी बराबर म्यू एच होता है, ये भी याद होगा सबको, तो इसको लिख दिया था माइनस म्यू। और क्या होता है ये, बी का मान कितना होता है आपका, म्यू एच। ये था आपका डेल क्रॉस ई, एक था आपका डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी क्या था, दोनों मैक्सवेल की समीकरण है जो मैं लिख रही हूँ, डेल क्रॉस बी था म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेली ओवर डेल टी, ये था। और जब आकाश आपका मुक्त आकाश होता है, तो वहां पर आवेश नहीं होते हैं, आवेश नहीं होने से ये जे का मान क्या हो जाता है, जीरो। मुक्त आकाश में जे कितना हो जाता है, जीरो। जब ये जीरो हो जाता है तो डेल क्रॉस भी क्या निकलता है, म्यू एप्सिलॉन डेली ओवर डेल टी, ये होता है। ये तो है विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए क्रॉस करते हैं तो आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्रॉस करते हो तो विद्युत क्षेत्र आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, अब देखो बेलनाकार समीकरण एक और लिख रही हूँ, डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये यूज आएंगे आपके आगे दोनों, इसलिए मैं अभी लिख रही हूँ इनको, माइनस का म्यू आई ओमेगा एच, और डेल क्रॉस बी था आपका एप्सिलॉन जे मेगा। ये होती है मैक्सवेल समीकरण थी, इसको डाल दीजिए। 12 तो वो थी, 13 ये आ गई, समीकरण 14 हो गया, ये मैक्सवेल समीकरण से आई है, माइनस का म्यू आई ओमेगा एच और एप्सिलॉन जे ओमेगा आई। अब मैं क्या कर रही हूँ, बेलनाकार निर्देश तंत्र के अंदर कर्ल का मान लिख रही हूँ, बेलनाकार निर्देशांकों में कर्ल निकाल चुके हैं, कर्ल का मान बेलनाकार निर्देशांकों में निकाला था फर्स्ट यूनिट के अंदर, कितना था रो फाई जेड, तो यहां पर था H1 रो कैप, H2 फाई कैप, H3 Z2, ये था आपका जो कर्ल निकाला था विद्युत क्षेत्र का, वो मान था डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर 1/H1 H2 H3 और था। कर्ल ई वेक्टर बराबर यहाँ पर था H1 0 H2 E5 H3 EZ, क्योंकि मैं डेल क्रॉस ही निकाल रही हूँ, कर्ल होता है डेल क्रॉस ही।
ये आ गई क्वेश्चन। और कर्ल ई, कर्ल ई क्या ये ना डेल क्रॉस ई, इसका मान किसके बराबर है, माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू एच के बराबर। ये ना समीकरण नंबर 13 से, ये भी तो डेल क्रॉस ई है। डेल क्रॉस ई क्या होता है, ये मैक्सवेल समीकरण से आया है। कर्ल ई का मान कितना होता है, इतना कर्ल ई हमने निकाला, वो किस भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये तो कर्ल ई का मान निकल गया। अब आगे करिए इसकी सॉल्व। एच वन एच टू एच थ्री, एच वन एच टू एच थ्री, अब दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ पर मैं एच को ओपन कर रही हूँ, एच कैसे ओपन होगा आपका, रो कैप एच रो जैसे से खोलते हो, खोलो इसको, रब कर रही हूँ, माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू एच को ओपन करते हैं, रो कैप एच रो आई कैप एच फाइव जेड कैप एच जेड, ये हो गई इसकी वैल्यू। नीचे लिख दूं, कर्ल ई वेक्टर बराबर, ये आपका आ गया, ये तो कर्ल ई वेक्टर चल ही रहा है, ये वन ओवर एच वन एच टू एच थ्री है, ये काट दूंगी इनसे मैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन रही है वही लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, वन अपॉन रो, यहाँ क्या बन जाएगा, रो कैप रो फाइव कैप या जेड कैप, यहाँ बचेगा आपका जेड कैप, डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल फाइव, डेल ओवर डेल जेड, यहाँ चलेगा ई रो ई फाइव, यहाँ था आपका ई जेड, ये मैट्रिक्स निकल गई बराबर। ये इसके चल रही है, इसको लिख दो माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू रो कैप एच रो फाई कैप एच फाई जेड कैप एच, स्क्रीनशॉट लो। अब यहां से रो घटक निकालेंगे, फाई घटक निकालेंगे, रो घटक निकालेंगे तो इसका और इस ये वाला रो घटक निकालेंगे, ये जाएगा ये जाएगा, डेल ओवर डेल फाई ई जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड रो ई फाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखिए इस समीकरण का रो घटक, जब रो घटक निकालोगे तो ये वाली लाइन जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी, इसका इससे डेल ओवर डेल फाइव, ये चल ही रहा है बार बनो अपन रो, डेल ओवर डेल फाइव ई जेड माइनस इसका इससे डेल ओवर डेल जेड रो ई फाइव बराबर, रो घटक ले रहे हो तो इसका लिए रो घटक निकालो, रो घटक क्या आएगा एच रो माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू एच, ये तो रो घटक निकल गया। अब निकालना है पाई घटक, समीकरण 13 आएगी शायद, अब निकालो इस समीकरण का पाई घटक, पाई घटक निकालते हैं। जब फाई घटक निकालेंगे तो फाई वाला लेंगे, ये जाएगा ये जाएगा, वन ओवर रो तो है ही आगे और इसमें रो है ही है, ये गया डेल ओवर डेल रो का ई जेड से, ये समीकरण 13 नहीं आएगी शायद, 13 14 तो वो वाली थी, 15 आएगी,
समीकरण 13 कौन सी थी? हाँ 15 आएगी, 13 तो वो थी डेल क्रॉस ई वाली, माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू एच, और डेल क्रॉस बी वाली थी, ये तो 13 समीकरण इसकी थी एप्सिलॉन जे ओमेगा ई, ये 14 थी। अब मुझे यहां से तो मैंने रो घटक निकाल लिया, अब इस वाली समीकरण से मैं पाई घटक निकालूंगी, समीकरण 14 से, समीकरण 14 से पाई घटक, इस वाली समीकरण से आप पाई घटक निकालोगे। पाई घटक कैसे निकालोगे? फिर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे, रो कैप फाई कैप जे कैप, डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ आ जाएगा आपका बी रो बी फाई बी जेड। सेम ई को तोड़ोगे, ई को तोड़ोगे किसमें तोड़ोगे? ई रो ई फाई एंड ई जेड। फिर इसमें से कौन सा वाला घटक निकालना है? मैं फाई वाला घटक, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फाई वाला घटक, मैट्रिक्स फॉर्म आप बना लेना खुद। फाई वाला घटक आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या निकलने वाला फाई वाला घटक इसका? फाई कैप रो अपॉन रो, और यहाँ पर जो खुलेगा वो, पहले तो आपका एच में खुल रहा था, अब खुलेगा ये ई के अंदर, ई में खुलेगा तो ई के कंपोनेंट आएंगे, ई के घटक आएंगे, ई वाले घटक लिखते हैं। ई वाले घटक में पहले आएगा डेल ओवर एच रो डेल जेड, खोल लोगे ना? कैसे खोलोगे? इसको ओपन करोगे आई रो फाई जेड, फाई के निकालोगे तो ये वाले जाएंगे, फिर यहां पर निकलेगा बी रो बी फाई बी जेड, फिर डेल ओवर डेल रो डेल ओवर डेल फाई डेल ओवर डेल जेड, ई रो ई फाई ई जेड। जब फाई वाले निकालोगे तो जेड का किससे करना पड़ेगा आपको? रो वाले से, तो मतलब यहाँ पर कंपोनेंट जो चलेगा वो एच रो वाला चलेगा, क्योंकि बी बराबर म्यू एच होता है, म्यू तो नियतांक है, तो एच का खोलेंगे एच रो एच फाई एच जेड, तो समीकरण जो चलेगी वो किसमें चलेगी आपकी? एच के अंदर। वो मैट्रिक्स फॉर्म खोल के यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, और एक आएगा आपका डेल एच जेड ओवर डेल रो, ये इसके फॉर्म निकल गई, और यहाँ निकलेगा जे ओमेगा एप्सिलॉन। घटक कौन सा लेना है आपको? फाई के, जब फाई का लेना है तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ई फाई, और ये आ गई समीकरण नंबर 16। ये दो इक्वेशन निकल गई हैं, 15 और 16। आपको करना क्या है अब इससे, जो 15 और 16 आई है, जो टॉपिक का नाम है वो क्या है आपको? बेलनाकार कोटर के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित हो रही हैं उनकी आपको आवृत्तियां ज्ञात करनी है, और उन विधाओं की आवृत्तियां ज्ञात करनी है, तो आपको दो विधाएं पढ़नी है। इसमें विधाएं कौन कौन सी हैं? विधा है क्या चीज? ये देखो, जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती हैं, तो मैंने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ, जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित हो रही हैं तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और दोनों इस जो विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगी उसकी दिशा के लंबवत काम करेंगे। तो इसके अंदर दो विधाएं काम करी, कौन कौन सी विधा? एक तो ई वाली और एक बी वाली, क्योंकि इसमें ई भी था, विद्युत क्षेत्र भी है, और एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो हम इसमें इनको दो विधाओं में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं टी ई विधा, एक पढ़ते हैं टी बी। टी विधा मतलब आपका विद्युत क्षेत्र की विधाएं, और टी बी मतलब आपकी चुंबकीय क्षेत्र की विधाएं। अब आपको इस टॉपिक को दो भाग में डिवाइड करना है, दो विधाओं की आवृत्तियां निकालनी है। पहली हम विद्युत क्षेत्र के जो तरंगे होंगे उनकी आवृत्तियां ज्ञात करेंगे, फिर आपके चुंबकीय क्षेत्र के जो तरंगे होंगे उनकी आवृत्तियां ज्ञात करेंगे। अब इसको दो टॉपिक्स में तोड़ूंगी मैं, टीई में और टीवी में। टीई मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तरंगे जा रही हैं उनके अंदर जो विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लग रहा है उन तरंगों की आवृत्तियां। टीवी मतलब जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें जा रही हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उनकी आवृत्तियां। ये दोनों अलग अलग बांट के तब इनकी आवृत्तियां ज्ञात करनी है, ई की और बी की। कल करेंगे इन विधाओं को, आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया।